क्या कर रही हो पूजा? लो ये पियो। हिलाने से हवा तो आ रही है ना, आराम से। हाँ अरे आराम से पियो। क्या तुम्हें ये पता है? मुझे क्या पता, बताओ। जब पूजा को चोट लगी थी तब इसने उसका अस्पताल में कितना ख्याल रखा था। ये पूजा पर अपनी जान छिड़कता है। अगर मैं इसकी शादी पूजा से करा दूं तो जिंदगी भर ख्याल रखेगा। और इन दोनों की जोड़ी भी कितनी अच्छी लगती है। क्या हुआ दादी, मुझे आने के लिए क्यों बुलाया? हैं? पहले पूजा की शादी, और किसकी शादी करानी होगी है? तू कभी नहीं सुधरेगा। जो कमाएगा सब खर्च कर देगा, कल शादी होगी तो किससे मांगेगा? क्या दादी, अभी वो पूजा की नौकरी लग जाएगी ना तब तक। तुझसे पूछने से काम नहीं चलेगा। सोमवार अच्छा दिन है, पहले मंगनी करवा देते हैं, फिर अच्छा सा दिन देख कर शादी तय कर दूंगी। हाँ पूजा को पहले आने दे, उसके बाद उसे बता देना, उसे भी मंजूर ही होगा। हाँ ठीक है ना? ठीक है दादी। कितना शर्मा रहा है देखो, जा जाके अपना काम कर जा। मुझे पता था तुम यहीं पर मिलोगे। क्यों? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे भी करनी है। तुम कहो ना। पहले तुम कहो ना। नहीं पहले तुम बोलो। नहीं नहीं पहले तुम बोलो। ठीक है बताती हूँ, मुझे तुमसे कुछ मांगना था। आखिरकार मेरी शादी उससे हो रही है जिसे मैं सच में बहुत चाहती हूँ। तुम मेरे सबसे करीब हो तो तुम्हें बताना जरूरी है। उसका नाम गोपाल है। वो मुझसे भी अच्छी तनख्वाह पर है। मुझसे भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सरकारी नौकरी में है। अगर मैंने उनसे शादी की तो मैं बहुत खुश रहूंगी, सुखी रहूंगी। मैं नानी माँ से बात करके तुम्हें उन्हें मेरी शादी के लिए तुम्हें उन्हें मनाना होगा। तुमसे कुछ मांग रही हूँ मैं, और जानती हूँ तुम ये जरूर करोगे। छोड़ो, तुम भी तो कुछ कहने वाले थे ना? दादी तुम्हारी शादी के बारे में बात कर रही थी, लेकिन अब तुमने खुद ही बोल दिया तो ठीक है। अब मैं घर जा रही हूँ।
क्या बात हो गई? ऐसे क्यों बैठा है? पूजा की जन्म कुंडली एक ज्योतिषी को दिखा कर आ रही हूँ। उन्होंने कहा जल्दी ही शादी हो जाएगी। तुझे क्या हुआ? मैं इतना बोल रही हूँ और तू चुपचाप बैठा है, हैं? मैं बिना माँ बाप का अनाथ लड़का हूँ दादी। पूजा पढ़ी लिखी लड़की है, उसने अपने लायक पढ़ा लिखा लड़का ढूंढ लिया है। मैं तो कभी गलती से भी स्कूल की तरफ नहीं गया। मुझ जैसे अनपढ़ से पूजा शादी करेगी क्या? उसने ऐसा कहा तुझसे? हैं? रुक जा, अभी बताती हूँ उसे। उससे कुछ मत कहिए दादी। उसकी मर्जी के अनुसार वो जिससे शादी करना चाहती है उसी से उसकी शादी करवा दीजिए दादी। ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? हाय। वो आ गए। चाय अच्छी है? अच्छी है। नमस्ते माताजी। नमस्ते। नमस्ते। आओ बेटा। ठीक है माँ जी। माँ और पिताजी कहाँ हैं? माँ बाबूजी शहर में रहते हैं। मैं पढ़ाई पूरी करके नौकरी मिलते ही यहाँ आ गया। मेरी दीदी की शादी भी यहीं हुई है, मेरी नौकरी भी अच्छी है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, पूजा का पूरा ख्याल रखूंगा। तुम ठहरो बेटा, मैं अभी आई। आओ बेटा, ये सब ठीक रहेगा क्या? क्या दादी, पढ़ा लिखा लड़का है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाता भी है। तुम आ जाओगी तो सब ठीक हो जाएगा। देखने में भी अच्छा इंसान लग रहा है, शादी करा दोगी तो पूजा खुश रहेगी। अच्छा चलो, कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर शादी करा देंगे। ठीक है माँ जी। ए, जा। चलता हूं। ए, रोड पर खेलने के बजाय ग्राउंड में जाकर खेलो ना, ये रोड खेलने के लिए थोड़ा ही है। यहाँ पर ग्राउंड नहीं है इसलिए यहाँ खेल रहे हैं हम। हाँ? आप पूजा दीदी के रिश्तेदार हैं? तुम्हारी पूजा दीदी से मेरी शादी होने वाली है। सब तो कह रहे थे मुकेश भैया से शादी होगी। थैंक यू मुकेश, मुझे यही डर था कि नानी माँ कैसे मानेंगी। तुमने बात करके उन्हें राजी कर दिया। तुम्हें लड़का पसंद आया? मुझे पसंद है पूजा, तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है। बेटा मुकेश, हवन में घी डाल दो और फूल डाल दो। हाँ, और जाओ तुम जल्दी लेकर आओ। हाँ। ये फूल को यहाँ पे डाल दो। हाँ, यहाँ रख दो इसे। इसे उसके बाजू में रखो। हाँ रखो। ए कुमार, शादी का काम छोड़ के यहाँ पे क्या कर रहा है? ए, तू तो बेशरम है ना, जाकर देख वो लोग क्या कर रहे हैं। सबको पता था इसलिए कोई दोस्त नहीं आया। तुझे तो खुश होना चाहिए कि कम से कम मैं तो यहाँ आ गया, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। मुझे बहुत दुख हो रहा है दोस्त, चल जा।
मुकेश कहाँ है? यही तो खड़ा था, वो लो वहाँ खड़ा है। एक मिनट रुक जाओ, मुकेश यहाँ आओ ना, आओ जल्दी आओ। आओ बेटा आओ ना, कह रही हूँ ना आओ आओ ना। ठीक हो ना पूजा? थोड़ा पी लो ना। अरे रे 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 रे। पूजा को कोल्ड ड्रिंक्स नहीं जमता है सर, ग्रेप जूस पीती है। ये लो पूजा। ये आप लीजिए सर। रो मत बेटा, खुशी से जाओ, खुश रहना। तुम नानी का ख्याल रखना। हाँ ठीक है पूजा। लाइट चली गई। डर लग रहा है क्या? हे डोंट वरी, आराम से बातें करेंगे। मेरी बातों का बुरा मत मानना। शादी से पहले तुमने किसी से प्यार किया था क्या? नहीं जी, आज तक मैंने किसी से बात तक नहीं की। मैं सिर्फ मुकेश को ही जानती हूँ और किसी को नहीं जानती। तुम्हें चमेली के फूल पसंद है? बहुत अच्छी पसंद है तुम्हें। पसंद है। मुझे गुलाब पसंद है, क्योंकि वो अपनी रक्षा के लिए अपने साथ कांटे रखता है। आज बातें करके मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। ऐसी बात नहीं है जी।